आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महासचिव राज्यपाल को भाजपा सरकार की निष्क्रियता से बढ़ती महंगाई एवं बढ़ते अपराध के विरोध के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कुल 9 मांगे रखी हैं। इस ज्ञापन में डीजल पेट्रोल की कीमतों में तात्कालिक वृद्धि को तुरंत वापस लेने व कानपुर शेल्टर होम घटना की शीघ्रता से CBI जांच और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच और गन्ना एवं गेहूं किसानों का बकाया मूल्य वापस करने के साथ ही खाद बीज व अन्य कीटनाशकों का मूल्य कम करने की मांग रखी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की सुदृढ़ करने के साथ दलित पिछड़ों व समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का दमन बंद हो और कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी गयी। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? ये जो प्रदेश में महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है, डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है। आप देख रहे हैं मैनपुरी में एक परिवार को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस कोरोना जैसी बीमारी में कोई इंतजाम नहीं है, पूरा का पूरा देश जो है आज बर्बादी के कगार पर है। तो हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं, जो पेट्रोल मूल्य वृद्धि हुई है उस वृद्धि को वापस ले और पूरे देश में जो है अराजकता का माहौल है उस पर अंकुश लगाए, नहीं तो ये समाजवादी युवा आंदोलन के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ेगा और सड़क पर उतर कर ये सरकारों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या यहाँ प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं? ये हम जो है महिमा में राज्यपाल के लिए DM साहब के माध्यम से हम अपना जो है ज्ञापन देंगे और उन तक अपनी आवाज़ हम पहुँचाएंगे।